हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश के प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन हुए हैं पिछले 10 सालों के, जो क्वेश्चन पेपर है, मैं आपको, मेरे पास इस टाइम पे 10 क्वेश्चन पेपर पड़े हुए, जिसका पहला पेपर जो मैं अभी आपके पास लेके आया हूँ, तो जो HRTC कंडक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें भी, क्योंकि HP GK जिसमें होने वाला है, नेशनल एंड इंटरनेशनल GK, रीजनिंग, हिंदी, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, पोल्ट्री, जियोग्राफी, इंग्लिश, इकोनॉमी, जो भी है, जैसे पेपर आता है वही वही पेपर, इस ये पेपर है जो मैंने इस टाइम पे मैं आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूँ, ये पुराना HPPSC का पेपर आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे जैसे पेपर में आते हैं, वही वही पेपर पेपर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लेके आया हूँ, ठीक है। तो ये पुराने पेपर ही है, तो इसमें जो है मैं आपको, इसमें 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है पहले 200 नंबर का क्वेश्चन होता था, सॉरी पेपर होता था, तो 200 में से आपको 100 नंबर लेने होते थे। जरूरी नहीं है कि HRTC कंडक्टर का ही है ये पेपर जो है, ये जो भी एग्जाम्स हुए हैं 12th बेस पे हमारे हिमाचल में, उनके उनके ओल्ड पेपर हैं ये, ठीक है। तो इसमें आपके जो है सारे सेक्शन रहने वाले हैं मिक्स, मतलब जैसे पेपर में आते हैं, तो 10 पेपर मेरे पास इस टाइम पड़े हुए हैं, 10 में से आपको अभी 10 करवाऊंगा मैं, ठीक है। प्लस 2000 क्वेश्चन मेरे पास प्रीवियस ईयर HPGK का पड़ा हुआ है, जो पुराने पेपर में पूछा गया पिछले 10 सालों में, ठीक है। तो आपको मैं बता दूँ, HPGK टोटल यहीं से आएगा, नेशनल GK और इंटरनेशनल GK वो भी यहीं से आएगा, इन्हीं पेपरों में से आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। रीजनिंग सेम टू सेम यही आएगी, आप क्वेश्चन अलग हो सकते हैं लेकिन पैटर्न तो ये रहेगा, आपको पता तो चल जाएगा ना कि हाँ ये वाली रीजनिंग आती है, ऐसी रीजनिंग आती है, ठीक है। हिंदी, हिंदी के क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीट होते हैं यार। मैथ, मैथ के क्वेश्चन भी, मतलब कैसा पैटर्न आता है वो आपको करवाऊंगा। साइंस के क्वेश्चन यार, हिमाचल के आज दिन तक जितने भी पेपर हुए उनमें से, उनमें साइंस आई ही आई है, ठीक है। बट इस पेपर में नहीं दिया हुआ, लेकिन इसमें भी एक आधा 2 क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। साइंस में इसमें भी आएंगे साइंस के क्वेश्चन, हिस्ट्री, पोलिटी, जियोग्राफी और इंग्लिश तो आपको पता ही, ये तो आनी है। तो इसमें मैं सारे सेक्शन आपको जो है करवाऊंगा, प्लस फर्स्ट एड और जो GPS रोल वगैरह जो है उसका सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट के, वो अलग से मैं आपके लिए बढ़िया सी वीडियो लेके आऊँगा, और मैंने आपको करवाई भी हैं जो वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं जो पुराने पेपर होते हैं, क्योंकि पुराने पेपर में से बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। CTU कंडक्टर का पेपर 2020 वाला पेपर हूबहू, आपको मैं बताऊँ हूबहू पेपर 2023 में आया था। अगर किसी ने वो पुराना पेपर भी पढ़ा होगा ना, वो आज सिलेक्शन लेके बैठा होगा, चाहे आप चेक कर लेना, मेरे को उसमें वो नहीं, मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि पुराने पेपर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी बकबक के शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अभी आप पहले क्वेश्चन से सोचोगे कि यार ये क्या क्वेश्चन लेके आ गया, लेकिन यार आगे देखो, मैं आपको आगे दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये देखो, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य उपायुक्त वगैरह, ठीक है, और ये सारे, ये देखो शिवबंदर घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, ये सारे क्वेश्चन है यार जो पिछले इसमें पूछे गए वो पेपर में वही है, और सारा ये पेपर जो है मेरे पास आंसर की के साथ पढ़ा हुआ है। ये आंसर की भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो है आपकी आंसर की भी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, बीच बीच में मैं आपको मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है, और रीजनिंग के भी नहीं, मैं आपको आंसर बता दूंगा, आप सॉल्व कर लेना उनको, ठीक है। मैं आंसर आपको सबकी सबके बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑन ए रेनी डे स्मॉल ऑयली फिल्म ऑन वाटर शोज ब्रिलियंट कलर, दिस इज ड्यू टू, तो वर्षा वाले दिन पानी पर छोटी तैली पर चमकीले रंग दिखाती हैं, इसके कारण, इसका कारण क्या होता है, इसका कारण, इसका राइट आंसर रहेगा व्यक्तिकरण, ठीक है, इंटरफेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीसा संचालक सेल में किस एसिड का प्रयोग होता है। तो सीसा संचालक संचालन, मतलब इंग्लिश में आपको बता दूँ, बीच एसिड इज यूज इन लेड स्टोरेज सेल, आपको समझ आ गया होगा लेड स्टोरेज में क्या कौन सा था, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 3, विच मेटल फॉर्म एमलगम विद अदर मेटल। अब हिंदी में ज़्यादा आपको, हिंदी में करवाऊंगा मैक्सिमम, इंग्लिश में जिसने पढ़ना होगा वो इंग्लिश में पढ़ लेना, मैं हिंदी में करवाऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं, ठीक है। और कौन इसमें है, हिंदी में कौन सी धातु अन्य धातु के साथ पारगमी पारदम मिश्रण बनाती है, तो क्या है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा मरकरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट डिप्टी चीफ कमिश्नर ऑफ HP वाज, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य उपायुक्त कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, EP मोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार आपको पता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। नेक्स्ट, विच जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो आपको पता है डिस्ट्रिक्ट चंबा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्गी जोत कनेक्ट भरमौर, भरमौर विद, दुग्गी जोत भरमौर को इससे जोड़ती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए, लाहौल, ठीक है।
दुग्गी जोत भरमौर को जोड़ती है लाहौल से, लाहौल ठीक है। श्रीखंड पर्वत चोटी मध्य प्रदेश के किस जिले में है, कुल्लू जिले में, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको बड़ी तोप नहीं आएगी, ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन आएंगे उसमें। मेरे को पता नहीं यार, क्योंकि 12th बेस पे एग्जाम है, कोई HPPSC ले रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कंडक्टर का एग्जाम है तो इसका मतलब HPPSC ले रहा है, तो क्या वो HS का पेपर डालेगा क्या आपको? ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल पेपर आएगा, ठीक है। ऐसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कि HPPSC ले रहा है ये वो ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कोई बड़ी तोप नहीं चला देगा, वो HAS का पेपर थोड़ी ना डालेगा यार HRDC कंडक्टर को। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको, 12th बेस पे जो पिछले पेपर में आए हुए हैं वैसे के वैसे ही आएंगे, ठीक है। अब बंदरघाटी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, 9th का, बंदरघाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, तो ये है चंबा जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन, नियार हिमनद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, नियार हिमनद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, तो ये है लाहौल स्पीति। नियार हिमनद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, लाहौल स्पीति। इरावती हिमाचल प्रदेश की किस नदी का संस्कृत नेम है, इरावती, तो इरावती है हमारा रावी नदी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखसर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, सुखसर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, ये है मंडी जिले में, सुखसर झील मंडी, सुखसर झील मंडी। धामी प्रांत की स्थापना किसने की, तो ये किसने करी थी, ये करी थी हमारा गोविंद पाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाहन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, नाहन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 8, 1621, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे लोकप्रिय रूप से छात्रपति के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, राजा कैरी सिंह। छात्रपति, छात्रपति शिवाजी नहीं, छात्रपति के रूप में किसे जाना जाता है, राजा कैरी सिंह, ठीक है। पंचबख्तार मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है, पंचबख्तार मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर है, तो 16 का राइट आंसर मंडी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने कांगड़ा किले के अंदर मस्जिद का निर्माण करवाया, तो किस मुगल शासक ने कांगड़ा किले में मस्जिद का निर्माण करवाया, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर, ठीक है। लॉर्ड मेयो ने किस वर्ष शिमला की यात्रा की, 18 का राइट आंसर रहेगा, लॉर्ड मेयो ने किस वर्ष शिमला की यात्रा की, 1871, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर हिमाचल प्रदेश का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है, तो ये रखा गया है CSK, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बोलते हैं ना उसको, CSK, तो चौधरी सरवण कुमार, ठीक है, चौधरी सरवण कुमार के नाम से रखा गया है। हिमाचल प्रदेश का जो कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में पड़ता है उसको चौधरी सरवण कुमार यूनिवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है, CSK। नेक्स्ट, देहर जल विद्युत परियोजना की कार्यकारी इकाई कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का, BBMB, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का बी, देहर जल विद्युत परियोजना की कार्यकारी BBMB। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में नंगल उन्ना चराड़ू बरोड गेज रेलवे लाइन की कुल लंबाई कितनी है, तो जो आपको पता है ब्रॉड गेज एक होती है, नैरो गेज जो कि हमारे हिमाचल में चलती है जोगिंदरनगर टू पठानकोट, और एक चलती है शिमला टू कालका, उसको बोलते हैं नैरो गेज, और ये ब्रॉड गेज जो बड़ी चौड़ी लाइन जो होती है, ठीक है, तो इसका कितना है, तो ये चलती है हमारे हिमाचल में बड़ी लाइन जो है 21 का 33 किलोमीटर, ठीक, 33 किलोमीटर। राजकुमारी अमृत कौर हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर रहती है, तो इसका राइट आंसर क्या है 22 का, ऑप्शन नंबर ए मनोर विले, मनोर विले। नेक्स्ट, विच प्लेस ऑफ HP इज पॉपुलर नोन एज बीच बॉल ऑफ एशिया, हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान लोकप्रिय रूप से एशिया का आड़ टोकरा से जाना जाता है, आड़ टोकरा, तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजगढ़। विच इज ऑल्सो नोन एज जनता ऑफ हिमालयाज, इसे हिमाचल हिमालय का जनता से भी जाना जाता है, तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टैबो, टैबो, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो 25 का राइट आंसर होगा सराहन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लामण हिमाचल प्रदेश की किस घाटी का प्रेम गीत है, लामण, 26 का राइट आंसर हो जाएगा, लामण हिमाचल प्रदेश की किस घाटी का प्रेम गीत है, तो 26 का राइट आंसर होगा कुल्लू, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय परिचय बुक इज रिटन बाय, हिमालय परिचय बुक इज रिटन बाय, हिमालय परिचय पुस्तक किसने लिखी, तो ये लिखी है ऑप्शन नंबर डी राहुल साकृत्या, राहुल संकृत्यान, ठीक है, संकृत्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डलहौजी यानी सॉरी डाल शोन हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लोगों का लोक नृत्य है? डाल शोन हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लोगों का लोक नृत्य है? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किन्नौर। किन्नौर, डाल शोन हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लोगों का लोक नृत्य है? किन्नौर। ठीक है, नेक्स्ट। ये है आपकी रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है। एक महिला का परिचय कराते हुए एक पुरुष कहता है, इसके पिता मेरी माता के इकलौते पुत्र है, महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, रीजनिंग और मैथ मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व नहीं करवाऊंगा, लेकिन मैं आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है 30 से 36, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आउट ऑफ फोर गिवन अल्टरनेटिव ए बी सी एंड डी, मतलब आपको सही स्पेलिंग चुननी है, ठीक है। तो 30 की सरेंडर, बी ठीक है, रिकमेंड, रिकमेंड की आपको बताएं ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 32, 32 आपको सही स्पेलिंग चुननी है इसमें, तो 32 का है ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, अग्राविटे, अग्राविटी, ठीक है। 33, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिसअपॉइंट, ठीक है। 34 का इनोसेंस, ठीक है, 34 का डी, इनोसेंस। अच्छा, अगले हैं, चूज अ मोस्ट सूटेबल वन वर्ड आउट ऑफ फोर गिवन अल्टरनेटिव, ठीक है। तो वन वर्ड आपको चूज करना है इसमें। ए पर्सन हु ब्रिंग्स गुड इलीगली इन टू द कंट्री, 35 का ऑप्शन नंबर सी, स्मगलर। ए पर्सन हु ब्रिंग गुड गुड्स इलीगली इन टू द कंट्री, तो आपको पता है स्मगलर, जो इलीगली लेके जाएगा कुछ भी सामान। वन हु ईट ह्यूमन फ्लैश, तो 36 का हो जाएगा कैनिवल। मर्डर ऑफ ए किंग, मर्डर ऑफ ए किंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेजिसाइड। वन हु पोजेस मैनी टैलेंट, 38 का ऑप्शन नंबर वर्सेटाइल ए, ठीक है। नेक्स्ट 39 का है ए पर्सन फर्स्ट स्पीच, ए पर्सन फर्स्ट स्पीच, तो इसका क्या है ऑप्शन नंबर 39 का मेडन, मेडन, मेडन मतलब पहली स्पीच। अगला है चूज अ वन वर्ड ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट वर्ड। क्वेश्चन नंबर 40, लेनिएंट, तो 40 का है ऑप्शन नंबर डी, हर्ष। ओवर्ट, 41 का ओवर्ट, ओवर्ट का है ऑप्शन नंबर सी, सीक्रेट, ठीक है, सीक्रेट। 42 एग्जिप्ट, एग्जिप्ट का है 42 का कंसील, ठीक है। नेक्स्ट 43 डेलिबरेट, 43 का डेलिबरेट क्वेश्चन है आपका, मतलब आपको इसका ऑपोजिट बताना है 43 का, तो ऑप्शन नंबर डी, इम्पल्सिव, ठीक है। नेक्स्ट है 44 नर्वस, नर्वस का हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर ए, बोल्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 45 to 49, इनमें से अल्टरनेट चूज करना है जो इसमें, ठीक है। तो अल्टरनेट है तो हमारा 45 क्वेश्चन है, आई हैव सीन इल लास्ट संडे, तो 45 का जो है सिंस आएगा, ठीक है। आई हैव बीन इल सिंस संडे, आई हैव बीन इल सिंस लास्ट संडे, इसमें यहाँ पे वो नहीं दिया, ठीक है, मतलब कि आपको फिल इन द ब्लैंक का जो ऐसे होता है ना, जो वो नहीं दिया उन्होंने, ठीक है, तो इसलिए इसमें बीच में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश नहीं दिया हुआ है ना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे इनमें नीचे दिया हुआ है, 46 का क्या है, 46 ही हैज शोन अटर नेगलेक्ट डैश ड्यूटी, 46 का ऑफ, नेगलेक्ट ऑफ ड्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई वाज ए चाइल्ड डैश आई डैश टू स्कूल एवरी डे इंस्टेंट ऑफ गोइंग बाई साइकिल, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि 200 क्वेश्चन है मेरे को करवाने के लिए इस वीडियो में, तो आपको पता है वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं जो है आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है, आंसर बताऊंगा। और बाकी एचपी जीके और इंटरनेशनल जीके का तो आपको सॉरी, एक मिनट। तो चलिए नेक्स्ट है 47, व्हेन आई वाज ए चाइल्ड डैश आई डैश टू स्कूल एवरीडे इंस्टेड ऑफ गोइंग बाई साइकिल, तो हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या 47 का ऑप्शन नंबर ए, व्हेन आई वाज ए चाइल्ड आई वॉक टू स्कूल एवरी डे इंस्टेड ऑफ गोइंग बाई साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट 42, विल यू डैश माई डॉग वाइल आई एम ऑन टूर, तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विल यू लुक आफ्टर माई डॉग वाइल आई एम ऑन टूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश का,
उसके बाद हिंदी है, तो 49 का है, आई ऑलवेज लाइक टू ईट फूड, तो इसका राइट आंसर होगा दिस, आई ऑलवेज लाइक टू ईट फूड, ईट ऑफ फूड, इसका राइट आंसर है। इसमें भी आपको जो है वो नहीं दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स का जो है ना वो भी मिस प्रिंटेड है। अच्छा, आई ऑलवेज लाइक टू ईट ऑफ फूड, दिस ईट दिस काइंड ऑफ फूड, ठीक है, यहाँ बीच में आएगा दिस काइंड ऑफ फूड, ऑफ फूड बाद में आएगा, ठीक है। अगला है फिफ्थ, शुद्ध शब्द चुनिए, हिंदी आ गया ना, हिंदी में मैक्सिमम आपको हिंदी के क्वेश्चन इसी में से आएंगे, ठीक है। थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि पूरे के पूरे ही आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाएगा। प्लस आपका जो है, अगर प्रीवियस ईयर अगर आपने पढ़ा होगा तो ओबियस ही बात है, प्रीवियस ईयर पेपर बहुत हेल्प करता है। प्रीवियस, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ना है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ के चले जाओ, आपका एग्जाम क्लियर होने के चांसेस 72-75% हो जाते हैं। 70-80 भी नहीं बोल सकता, 70 से कम बोल सकता हूँ, वैसे ज़्यादा भी नहीं बोल सकता, लेकिन 50-70% चांसेस बन सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत आपने वैसे ही पढ़ा होगा तो। सन्यासी कैसे लिखते हैं, सन्यासी, तो 50 का है ऑप्शन नंबर सी, सन्यासी। स्वाभाविक, तो स्वाभाविक 51 का ऑप्शन नंबर ए, स्वाभाविक, 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 तो ये तो है ही नहीं, लास्ट का तो है ही नहीं। अभिमानी, 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 या क्या है इसका राइट आंसर, 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिमानी। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पन्न, ठीक है। 54 का राइट आंसर होगा प्रेरणा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मैजिस्ट्रेट, अब इंग्लिश में दिया हुआ है तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो मैजिस्ट्रेट को क्या बोलते हैं। 55 का, 55 का ऑप्शन नंबर ए, अधिकरणिक, ब्यूरो, ब्यूरो को क्या बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी, कार्यपीठ। रेगुलेटर को क्या बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी, नियामक, नियामक। सप्लाई को क्या बोलते हैं, सप्लाई, सप्लाई को बोलते हैं प्रदाय। सीडिशन, सीडिशन, सीडिशन का क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, राजद्रोह। चलिए आ गए हैं मुहावरे, ठंडा होना, तो ठंडा होने का क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मर जाना, सॉरी 60, सॉरी ठंडा होना नहीं होगा इसका राइट आंसर 60 का, एक मिनट मैं देख लूँ। हाँ यस, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मर जाना। चतुर्मुख, चतुर्मुख, चतुर्मुख में समास है, तो 61 का भी राइट आंसर बहुव्रीहि समास, प्यास का तत्सम है, प्यास का तत्सम है ऑप्शन नंबर सी, पिपासा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइक का स्त्रीलिंग क्या होगा, नायिका, ऑप्शन नंबर डी। 63 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राग का बहुवचन क्या होगा, तो प्राग का बहुवचन 64 का ए, प्राग ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलना की भाववाचक संज्ञा क्या है, तो इसकी भाववाचक संज्ञा है ऑप्शन नंबर डी, चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना का विशेषण क्या है, कल्पना, तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। कल्पना की विशेषण क्या है, काल्पनिक, 66 का बी। शैतानी में प्रत्यय है, शैतानी में प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर डी, ई, ठीक है, शैतानी में ई। अगम का प्रयाची, पर्यायवाची, 68 का गमन, अगम, गमन। कृतार्थ कौन सा शब्द है, कृतार्थ कौन सा शब्द है, रूढ़ी, यौगिक, योग, रूढ़ी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी, कृतार्थ का यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, हमारा इंडिया जीके से, ठीक है। सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 70 का सी, कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 71 का, 2005, 2005 में RTI आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई, एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल्स वर सेटअप इन विच ईयर, तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1985। ट्रिपल आई डी ई एम इज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ट्रिपल आई डी ई निम्न में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा 73 का ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग, ठीक है। ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू ग्रोथ, नीली क्रांति किसकी वृद्धि से संबंधित है, तो ये है फिशरीज, ठीक है, 74 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिशरीज मतलब मत्स्यिक, मतलब मछली। द नेशनल आर्चीव ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट विच प्लेस, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार किस स्थान पर स्थित है, तो 75 का ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली, ठीक है। द हेडक्वार्टर ऑफ
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा 76 का ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा। ठीक है, GPS स्टैंड्स फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, HPGK के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है GPS की फुल फॉर्म। ठीक है, द एयर फोर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, तो ये मनाया जाता है 78 का ऑप्शन नंबर बी, 8 अक्टूबर। इग्नू की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इग्नू की स्थापना हुई थी 1985। ठीक है, परिवर्णी शब्द ब्रिक की कल्पना निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई है? ब्रिक वाज कंसीव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 80 का, तो ये है गोल्डमैन सैचेस। गोल्डमैन सैचेस कोयर बोर्ड है द कोयर बोर्ड इज, तो ये है 81 का ऑप्शन नंबर सी, वैधानिक निकाय। ठीक है, अभी ये थोड़े से साइंस के भी है मिक्स। ठीक है, कौन सा एक धात्विक खनिज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। लाइमस्टोन इज विच टाइप ऑफ रॉक, चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो ये है अब सादी चट्टान, 83 का बी। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 84 का डी, 25। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या 85। ठीक है, विच इज द न्यूएस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स ऑफ इंडिया, भारत का नवीनतम सीमा सुरक्षा बल कौन सा है? अब बताओ इनमें से सबसे नवा है, तो सब पुराने लेकिन नया कौन सा है? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा CISF। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किससे संबंधित है? पार्ट राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इज रिलेटेड टू, इसका राइट आंसर हो जाएगा 86 का ए, BPL परिवारों से। 87 है, किसके रेडियो क्लब द्वारा प्रथम रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया? द फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम वाज ब्रॉडकास्टेड बाय द रेडियो क्लब, तो ये किया गया था 87 का, मुंबई। ठीक है, नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? तो अभी पता नहीं कौन होगा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस टाइम पे। ठीक, तो इसका मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, वैसे तो अगर बाई चांस इसका बताना चाहूँ तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संघ वित्त मंत्री, तो अभी नीति आयोग का बता नहीं कौन होगा, तो इसमें करंटली करंट का है मुझे नहीं बताना है, तो इसको छोड़ दो। ठीक है, तो फिलहाल जो है इसको रहने देते हैं। ठीक है, इसको जो है हम कैंसिल कर देते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज फुली इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पज पोर्ट, कौन सा पूर्णतः समाकलित बहुदेशीय बंदरगाह है? तो ये है ऑप्शन नंबर 89 का डी, मुंबई बंदरगाह। नेक्स्ट, विच अवार्ड इज रिलेटेड टू होनर एमिनेंट कोचेस, प्रतिष्ठित प्रशिक्षकों के सम्मान से संबंधित अवार्ड कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर 90 का बी, गुरु द्रोणाचार्य। ठीक है, जो टीचरों को मतलब टीचर मतलब कोच जो होते हैं उनको जो दिया जाता है अवार्ड वो होता है द्रोणाचार्य। विच इज हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड, कौन सा भारत सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो ये है भारत रत्न, सबसे बड़ा जो अवार्ड हमारे इंडिया में वो है भारत रत्न। वरीयता के क्रम में कौन सर्वोच्च है? विच इज हाइएस्ट इन ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस, इसका राइट आंसर होगा 92 का ऑप्शन नंबर ए, गवर्नर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन दिस वैली साइट, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी स्थल नहीं है? तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा मैंगलोर। ठीक है, मैंगलोर। विच इज द उपवेदा ऑफ सामवेद, सामवेद का उपवेद कौन सा था? तो इसका था 94 का ऑप्शन नंबर ए, गंधर्व वेद। ठीक है, कांशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। विच इज सेक्ट ऑफ जैनिज्म, कौन सा जैन धर्म का संप्रदाय था? 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, दिगंबर और श्वेतांबर। अर्धशास्त्र किसने लिखी? 97, अर्धशास्त्र किसने लिखी? तो ये लिखी है कौटिल्य। ठीक है, कौन सा महानतम मौर्य शासक था? 98 का अशोक। ठीक है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
99 का ऑप्शन नंबर डी गोपाल, ठीक है। एरतेश्वर मंदिर किस स्थान में स्थित है? एरतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है दरसूराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता प्रसिद्ध यात्री किस देश से संबंधित है? इब्न बतूता प्रसिद्ध यात्री किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा मोरक्को, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कर्नाटक संगीत का महानतम संगीतकार था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ग्रेटेस्ट कंपोजर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक? तो इसका राइट आंसर होगा त्यागराज। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक कौन था? तो 103 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह जफर। शिवाजी के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संभाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री किस स्थान पर खोली? तो 105 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा सूरत में। ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में किसने की? इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडव नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो 107 का हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। पांडव लोक नृत्य उत्तराखंड। हमारे सौर मंडल में सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये है बुध, ठीक है। दोनों गोलार्ध में किस तिथि को सम्मान दिन और रात होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी, 21 मार्च और 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्टस पर्वतमाला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? एल्टस पर्वतमाला कहाँ है? उत्तर पश्चिम अफ्रीका। 111 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 111 का ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन। क्लोरीन जो है वायुमंडल में नहीं है। चिनूक स्थानीय। अगला 112 नंबर क्वेश्चन है, चिनूक स्थानीय पवन किस क्षेत्र में बहती है? चिनूक लोकल विंड ब्लोज इन विच रीजन? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर है यूएसए और कनाडा। किस महासागर का नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, किस महासागर का नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में कौन सी ठंडी समुद्री धारा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 114 का लेबराडोर धारा, लेबराडोर करंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, रोम किस नदी के किनारे है? तो रोम जो है टाइबर नदी के किनारे है, ठीक है, टाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट हिमालय इज ऑल्सो नोन एज? 116 का राइट आंसर हो जाएगा हिमाद्री, हिमाद्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने भारतीय राज्य नेपाल सीमा पर स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 5 राज्य जो है नेपाल सीमा पर स्थित हैं। बैरन द्वीप एक डैश है, सॉरी बैरन द्वीप है एक, क्या है ये? तो ये है ऑप्शन नंबर ए 118 का, एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोडा बेटा किस भारतीय राज्य की उच्चतम पर्वत चोटी है? 119 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु की। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? नदी द्वीप कौन सा है? तो ये है माजुली, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन नदियों पर निर्मित है? इंदिरा गांधी, एक सेकेंड, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन नदियों पर निर्मित है? तो 121 का राइट आंसर होगा सतलुज, ब्यास और रावी, सतलुज नदी और रावी। कौन सी, अगला क्वेश्चन है 122, कौन सी फसल, कौन सी रेशा फसल है? तो रेशा किस में होता है? ऑप्शन नंबर डी, इन सब में, कपास, जूट, सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अत्यधिक खनिज है? कौन सा अत्यधिक खनिज है? तो ये है माइका, ठीक है, मतलब दिस इज नॉन मेटेलिक मिनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिगवोई तेल शोधन शाला किस भारतीय राज्य में स्थित है? डिगवोई, ऑप्शन नंबर डी, असम। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय किस स्थान पर है? तो पश्चिम रेलवे का मुख्यालय किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, ठीक है। कौन सा बंदरगाह गेटवे ऑफ कर्नाटक भी कहलाता है? कौन सा बंदरगाह गेटवे ऑफ
कर्नाटक भी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी था न्यू मेंगलुरु बंदरगाह। झरिया किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? झरिया किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है कोयला खदान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 128। भारतीय संविधान की कौन सी सूची नगर पालिकाओं से संबंधित है? इसमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की स्थापना वर्ष 2000 में हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 129 का, इन सभी की 2000 के बाद। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड का उत्तरांचल सॉरी उत्तराखंड है और झारखंड छत्तीसगढ़ ये जो है ये सभी 2000 के बाद बने हैं। ऐसा निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की स्थापना वर्ष 2000 में हुई? तो इनकी हुई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 130। निम्नलिखित में कौन सा भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो ये कौन हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 130 का, एन एस रेड्डी। लोकसभा के प्रथम डिप्टी स्पीकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा जीवी मामलकर, 131 का सॉरी ए एम आयंगर सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द गार्डियन पब्लिक ऑफ पर्स? सार्वजनिक खजाने का संरक्षक कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मतलब भारत का नियंत्रक एवं महालेखा प्रशिक्षक। 32 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कौन मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण से प्रेरित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनियन इज मॉडिफाइड, प्याज है एक रूपांतरित, तो क्या है ये? 134 का राइट आंसर होगा तना। क्वारंटाइन रेगुलेशन किससे संबंधित है? तो ये है रोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिवेंशन ऑफ एंट्री ऑफ डिसीज ऑर्गेनिज्म, रोगी जीवों के प्रवेश को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रदूषण कारित नहीं करता है? तो विच डज नॉट कॉज पोल्यूशन, तो यूज ऑफ सोलर। ठीक है, यूज ऑफ सोलर ऑप्शन नंबर सी, जो प्रदूषण नहीं करता है। पक्षियों को उड़ने से पहले रोकने की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये कहलाती है ऑप्शन नंबर ब्रेलिंग। ठीक है, ब्रेलिंग, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है ब्रेलिंग। क्वेश्चन, मूल इकाइयाँ क्या हैं जिनसे मानव अतिरिक्त अंग निर्मित किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेम सेल, स्टेम कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रातःकाल सूर्य किरणों के संपर्क में आने से मानव शरीर में कौन सी विटामिन उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। किस एंजाइम की मदद से दूध दही में बदलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिट्रेट, सॉरी क्वेश्चन कौन सा ये 140। इसका ऑप्शन क्या है? मिल्क कन्वर्ट्स इनटू कर्ड विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम? तो 140 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रेनिन, रेनिन। ठीक है, किस एंजाइम की मदद से दूध दही में बदलता है? रेनिन। ठीक है, मानवों में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो 141 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंठ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। शरीर का कौन सा अंग कभी भी विश्राम नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर होगा हार्ट। ठीक है, जल वाष्प में संचित ऊष्मा है, तो इसमें है 143 का ऑप्शन नंबर बी, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। लंबी दूर बेतार संचरण के लिए आवश्यक तरंगे हैं? 144 क्या है? वेव्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन आर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड रेज, 144 सॉरी 144 का रेडियो वेव्स। ठीक है, रेडियो तरंगे। इनमें से क्या एक प्राकृतिक बहुलक है? 145 का ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च। कसौली के निकट स्नावर में किस वर्ष लॉरेंस एजाइलम की स्थापना की गई थी? तो 146 का राइट आंसर होगा 1847। बाबा बनवारी दास वाज द फेमस संत इन द स्टेट ऑफ सिरमौर? बाबा बनवारी दास किस राज्य के प्रसिद्ध संत थे? ये थे सिरमौर के। महामृत्युंजय मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, मंडी।
राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला हिमाचल प्रदेश में कहाँ है? फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। तो ये है ऑप्शन नंबर ए जंगा, ठीक है, जंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय में कौन सी भाषा अधिकांश पहाड़ी लोगों द्वारा बोली जाती थी? तो ये है कोलारियन। 150 का डी। हिमाचल प्रदेश से संबंधित सेना कौन सा अधिकारी थल सेना अध्यक्ष बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 151 का बी एन शर्मा। हिमाचल प्रदेश में संबंधित सेना का कौन सा अधिकारी थल सेना अध्यक्ष बना? बी एन शर्मा। हिमाचल प्रदेश में प्रथम राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 152 का ऑप्शन नंबर बी 2000 में, ठीक है। अब फूड स्टोमक फ्यूल, अब भोजन पेट है, भोजन पेट से रिलेटेड, तो ईंधन किससे रिलेटेड होगा? तो ईंधन होगा इंजन से, ठीक है। 153 का हो जाएगा सी। अन्य से कौन अलग है? 11, 21, 31, 41। तो इसमें से अलग कौन है? तो आपको भिन्न बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, क्योंकि बाकी किसी भी तरह से जो है आपके किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 31। नेक्स्ट क्वेश्चन 155। अगर आप मेरे को बोलोगे कि ये रीजनिंग आपको मैं रीजनिंग की क्लास मतलब कि वैसे करवा दूँ, रीजनिंग को सॉल्व करवा दूँ, ये जो भी मेरे पास रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो मैं मेरे को कमेंट करके बता देना, तो मैं आपको जो इसके सॉल्व करके भी बता लूँगा, ठीक है। अभी फिलहाल तो मेरे पास इतना टाइम नहीं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होगी, 200 क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने कर कंप्लीट करना है, तो क्योंकि पेपर है ना मेरे पास, तो पेपर एक पेपर एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए तो बेटर रहता है। तो 155 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है, कितने अर्थपूर्ण अंग्रेजी एसर ए सी आर के अक्षरों से उपयोग कर बनाए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 156 का सी। इसका एक बनेगा रेसर, ठीक है, एक बनेगा सी ए आर ई केयर, और एक बनेगा ए सी ई एस, ठीक है। ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट को इस कोड में लिखा जाता है, पेपर को इस कोड में लिखा जाता है, तो किस सॉरी लेटेस्ट किस में, तो लेटेस्ट का कोड ये है, तो पेपर का क्या होगा? तो पेपर का होगा ऑप्शन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल को 5796, टेप को 3748, तो इससे हिसाब से पेयर को क्या लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 158 का ए, 159 का है। वैसे मैंने ये करवाने नहीं थे, मैं इसी पेपर में करवा रहा हूँ, मैं बाकी पेपर में आपको जीके, इंडिया जीके, पोल्ट्री जो भी है, इंडिया जीके और हिमाचल जीके ही करवाऊंगा, ठीक है, ये सब नहीं करवाऊंगा, इसका ही मैं अलग से करवा दूंगा आपको, अगर आप इन केस अगर आप मेरे को बोलोगे, क्योंकि इनको करवाने का कोई फायदा नहीं है, इनको करवाने का फायदा तभी अगर इनको आपके साथ के साथ मैं आपको सॉल्व करके बताऊँ, ठीक है। अगर सॉल्व भी नहीं कर पाऊँ डायरेक्ट आंसर दूंगा तो फिर आपको फायदा कैसे? तो अभी नेक्स्ट वीडियो से मैं नहीं करवाऊंगा, इन केस आप मेरे को वीडियो में बता देना कमेंट करके, तो उस हिसाब से मैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 159 का, रीजनिंग के क्वेश्चन है यार ये। अब 160 का राइट आंसर होगा, आप खुद देख लेना इसका, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 160 का है, 161 का है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 162 का है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मैं आंसर बता रहा हूँ आपको ताकि आपको ये ना लगे कि आंसर मैंने बताया, बाद में खुद भी इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और 163 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिंगली वेंकैया की 160वीं जयंती हाल ही में किस दिन मनाई गई है? ये करंट अफेयर के, इनको मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि करंट अफेयर उस टाइम का है, ठीक है, 2019-20 का, ये नहीं करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है, आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगा मैं जो आपकी बार जो है। अगला क्वेश्चन है 165, निम्नलिखित में किस देश के राष्ट्रपति करंट अफेयर, ठीक है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये है 166, भारत के निम्न में से किस राज्य के त्रिशूर में मंकी पॉक्स से पहली मौत की पुष्टि हुई? भाई मंकी पॉक्स से किसकी मौत हुई है? 166 का राइट आंसर हो जाएगा, किसकी कहाँ मौत, मतलब देश की पहली मौत ये हुई है हमारी मंकी पॉक्स से, केरल में है, तो ये वैसे करंट अफेयर की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वीडियो काफी लंबा बन जाता है यार, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी करंट अफेयर का, ये भी करंट अफेयर है,
सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन, ये सारे हमारे जो है करंट अफेयर के, ठीक है, ये भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है, मतलब करंट अफेयर का इंडिया जी के आएगा, आपको पढ़ लेना है आपने, ठीक है, ये सब करंट अफेयर के क्वेश्चन है। चलिए 163, हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला स्पीकर विधानसभा थी, तो कौन थी, ये थी 183 का बी विद्या स्टॉक्स, महिला स्पीकर जो थी सबसे पहले, विद्या स्टॉक्स। निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर कौन हिमाचल प्रदेश में सतलुज पर पुल नहीं है, अरे यार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रिज ओवर सतलुज इन हिमाचल प्रदेश, कंदरौर, स्लैपर, लूरी, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या है 184 का ऑप्शन नंबर इनमें से डी, मतलब ये सारे हैं कंदरौर वगैरह सारे, ठीक है। 1926 में नारायण में महिमा पुस्तकालय का निर्माण किसने करवाया, 185 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमर प्रकाश, नारायण में महिमा पुस्तकालय का निर्माण अमर प्रकाश। मुकलसर मुकलसर त्वारीखे रियासत चंबा पुस्तक किसने लिखी, तो ये लिखी थी 186 ऑप्शन नंबर सी गरीब खान, ठीक है। मंडी शहर के मध्य में किस स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा स्थापित की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिरदाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोखरे का धान इज ए फेमस क्रॉप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, दोखरे का धान, तो ये है दोखरे का धान, कहाँ का फेमस है, किस वैली का फेमस, तो 188 का है ऑप्शन नंबर बी पब्बर वैली का। द मेन टनल ऑफ नाथवा झाकड़ी प्रोजेक्ट इज, जो टनल है नाथवा झाकड़ी का प्रोजेक्ट, ये कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका राइट आंसर है 189 का झाकड़ी टू रामपुर। दियोली फार्म ऑफिस ब्रीडिंग इज लोकेटेड ऑन द बैंकॉक बीच खड इन HP, दियोली में, दियोली बिलासपुर में जो मछली पालन केंद्र है सबसे बड़ा, तो वो कौन सी खड में लोकेटेड है, तो 190 का राइट आंसर रहेगा अली खड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस, यार ये इंग्लिश में रह गए इनको ट्रांसलेट नहीं हुआ है मेरे से, ठीक है, बट फिर भी, विच प्लेस इज फेमस एज द पीच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, पीच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन सी है, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं है वो, ये नहीं आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ गया 192, 192 का राइट आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग्स नॉट एन इंडस्ट्रियल सेंटर इन सोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्की, ठीक है। यहाँ भी इंडस्ट्री एरिया है, परमाणु में भी, बरोटी वाला में भी है, सोलन में भी है, जो नहीं है वो अर्की में, अर्की पड़ जाता है हिमाचल के अंदर थोड़ा सोलन पहाड़ी इलाके, ठीक है। चूज द मिसपेल्ड वर्ड आउट ऑफ फोर गिवन, अब इनमें हमें मिसपेल्ड चूज करनी है, 193 का ऑप्शन नंबर डी सीसेशन, ठीक है, 194 का ऑप्शन नंबर ए, 195 का ऑप्शन नंबर डी, ये राइट स्पेलिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 का, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में ऐसे दिए जाते हैं, दो क्वेश्चन इधर, दो क्वेश्चन उधर, दो क्वेश्चन उधर, ठीक है, तो 196 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 197 का ऑप्शन नंबर ए, नेक्स्ट 198 का ऑप्शन नंबर डी, 199 का ऑप्शन नंबर डी, और 200 जो है 200 क्वेश्चन इस पेपर का, उसका राइट आंसर ए, और ये है मेरे पास इसकी PDF की आंसर की, ठीक है, ये क्योंकि मेरे पास ये क्वेश्चन ही है, सॉरी क्वेश्चन पेपर ये है, ठीक है, जो मैंने आपको इस टाइम पे करवाया, ये सारा क्वेश्चन पेपर ही है, ठीक है। तो अगर किसी को PDF चाहिए होगी तो मेरे को बता देना कमेंट में, कोई बार मैसेज कर देना, ठीक है, कमेंट में छोड़ देना। और चलिए अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपसे, वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है रीजनिंग और इंग्लिश और इसका करंट अफेयर जो इसमें हार मतलब इस पेपर में पूछा गया था उस टाइम का वो नहीं करवाऊंगा, ठीक है। आने अब नेक्स्ट वीडियो में आपको HP GK के नेशनल और इंटरनेशनल GK करवाऊंगा, हिंदी करवाऊंगा, ठीक है, और बाकी जो है साइंस हिस्ट्री पॉलिटी ये मतलब वही GK का सेक्शन ही करवाऊंगा, ठीक है, सोल्व करवाने वाला नहीं करवाऊंगा, मेन बात ये क्योंकि सोल्व करवाने का फ़ायदा तभी, सोल्व करवाने का तभी फायदा है आपको कि अगर आपको मैं साथ के साथ सॉल्व करके दिखाऊं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ अगले पेपर के साथ, मेरे पास काफ़ी पेपर पड़े हुए हैं जो मेरे को वीडियोस के माध्यम से मैं आपके तक पहुँचाऊँगा, और किसी को PDF चाहिए होगी तो मेरे को मैसेज कर देना कमेंट में, ठीक है, वीडियो कैसी लगी वो भी मेरे को बता देना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।